अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज गर्मी में अकेली थी, सब गए हैं पिशावर। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं बिल्कुल गर्मी अकेली थी तो बोर हो गई। और ये यूट्यूब भी इस तरह है कि हमारा दोस्त है यूट्यूब, इसके साथ भी हमारा टाइम और सही तरीके से मतलब गुजरता है। तो मैंने कहा कि अभी असर का टाइम है, अजानें हो रही हैं, और मैंने कहा कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊं और उसमें ये बताऊं कि लोग जब मतलब बोर होते हैं, घर पे अकेले होते हैं, तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि ये जितनी भी हमारी यूट्यूब फैमिली हैं, मैं तो उसकी वीडियो देखती रहती हूँ। मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ता है, हर एक की वीडियो मैं देखती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। और हम एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे, वीडियो देखते रहेंगे, इससे हमारा टाइम भी अच्छा गुजरता है और हम एक दूसरे को फायदा भी दे सकते हैं। और दुआएं भी लेंगे एक दूसरे की, एक दुआ अगर किसी की लग गई तो बस हमारा फिर जितने मतलब हमारे मस्ते हैं, अल्लाह ताला वो ख़त्म फरमा देंगे हमारे मसलों को। तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे, एक दूसरे की वीडियो देखते रहेंगे और हेल्प करते रहेंगे एक दूसरे की। और सबसे पहले मुझे तो मज़ा आता है, मुझे तो हर एक की वीडियो, वाकई ये मैं बिल्कुल मतलब ठीक बोलती हूँ कि हर एक की वीडियो मुझे अच्छी लगती है। जितनी मेरी YouTube फैमिली हैं, जो भी वीडियो सामने आ जाए और मैं एक बार क्लिक करूँ तो बस मैं फिर वो देख लेती हूँ। तो आप सब ने मेरे लिए दुआएं करनी है, मैं भी आप लोगों के लिए दुआएं करती रहूँगी, बहुत दुआएं करती हूँ मैं तो। मुझे तो बहुत तरस आता है लोगों पर, और ये तो मुझे पता है कि कितना मतलब लोग वो करते हैं, मेहनत करते हैं। अल्लाह ताला से मेरी ये दुआ है कि या अल्लाह, किसी की मेहनत को मेरा अल्लाह ज़ाया ना करें। हम ये दुआएं करते रहेंगे और आप लोग भी मेरे लिए दुआएं करें। ये एक रूम है, मैं यहाँ पर बस इधर इस रूम से, फिर ये है कि मतलब बाहर भी हम वो कर सकते हैं, कोई आ जाए और बार बार फिर आना नहीं पड़ता। तो यूज़ नहीं करते ये रूम हम, इसी तरह है और बिल्कुल यूज़ नहीं करते। इंशाल्लाह अज़ीज़ सेट करेंगे इसको भी, वैसे देखे ना, फिलहाल हमारा वो करते हैं, दागे रहते हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पर हमने ये चीज़ें रखी हुई हैं, यहाँ पर कोई वो नहीं होता, बस हमारे जो काम वाले हैं वो आ जाते हैं। और चले जाते हैं वापस ही, यहाँ से खाना वगैरह यहाँ खाते हैं। ये इंशाल्लाह अज़ीज़ हम सेट करेंगे। अभी मैं वैसे मैं आई, मैं बोर थी, कोई भी नहीं था घर पे, लेकिन घर में खामोश ही हैं, तो मैं यहाँ ही मैंने कहा कि आप लोगों को ये रूम है, कभी हम यहाँ मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, बस मैं तो एक वो मेरा कमरा है और वहाँ पर कमरा मेरा नहीं है, लेकिन बैठते बस जो भी आता है उसी कमरे में आता है। तो कभी मैं आपको अपने पूरा
घर आपको दिखाऊंगी और इंशाल्लाह अल्लाज़ीज़ ये हम सेट करेंगे ये रूम। तो अभी देखें ना इस तरह है, आप देखिए। और यहाँ पर कुरान पढ़ा है, ये हमारे काम जो करते हैं हमारे साथ, तो ये फिर तिलावत। और यहाँ से फिर मैं लिए वो होता है, आसानी होती है, बेहद आसानी होती है मेरे लिए कि जब मैं यहाँ पर होती हूँ तो बोर नहीं होती, पूरा पूरा वो दिखाई देता है गेट। और ये देखे ना, कोई टेंशन हमें नहीं होती। और मैं अपनी मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ये तो अल्लाह ताला हर एक को कामयाबी दे, अल्लाह ताला हर एक को कामयाबी अता फरमाए। और मैं नफले भी पढ़ती हूँ आप सबके लिए, और आप लोग मेरे लिए दुआएं करें। और आज मैं बिल्कुल अकेली थी, घर वाले गए हैं पेशावर, कोई बिजनेस के सिलसिले में कोई और काम भी थे, तो मैंने कहा कि आप लोगों से बस बातें करूं। आप लोगों से जब मैं बातें करती हूं तो मुझे अच्छा लगता है। सबसे बेस्ट फैमिली जो है वो मेरी आप लोग हो। मैं आप लोगों से बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत ज़्यादा मोहब्बत आप लोगों से करती हूँ, दिल से मोहब्बत करती हूँ। तो ये यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं, और हमने इस रूम को हमने सेट करना है, वो जब हम सेट करें तो बताएंगे। फिलहाल इसी तरह ही देखें। इस रूम का मैंने वो कर रहा हूँ, लाइट भी मैंने ऑन नहीं की, अभी लाइट ऑन करती हूँ। मेरा वो नहीं था, मैंने लाइट ऑन नहीं की, और फैन वगैरह मैंने बंद किए हैं, फिर शोर होता है। तो आप लोग मेरे लिए दुआएं करें, मैं आप लोगों के लिए दुआएं करूंगी, और हम एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे। इस किसी का कुछ भी कम नहीं होता इस पे हेल्प, एक तो हेल्प होती है ना, और एक तो एक बार वीडियो देखे तो अच्छी भी लगती है। तो मैं आप लोगों के लिए दुआएं करती हूँ, आप लोग मेरे लिए करें। और बस हमारे और बातें करते हैं, मैं तो यूट्यूब वालों के हर वक्त आप लोगों की वीडियो देखती हूँ और बस आप लोगों के साथ बातें करती रहती हूँ। सारे मेरे बहन और भाई हैं, और सबके लिए मैं दिल से दुआएं करती हूँ। मैंने पहली बार इसी तरह वीडियो बनाई है कि बस बोर हो गई और आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दी। अल्लाह ताला आप लोगों को इतनी खुशियाँ दे, अल्लाह ताला आप लोगों को बुरी बीमारियों से महफूज फरमाए, अल्लाह ताला आपको बुरी नज़रों से, और अल्लाह आपसे राज़ी हो। अल्लाह ताला जब राज़ी हो जाता है तो दोनों जहानों में आसानी पैदा हो जाती है। अपनी बहन के लिए आप लोग भी दुआएं करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।